नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस अपडेट में बात करेंगे यहाँ पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 के संबंध में। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि भर्ती बोर्ड भी नहीं दे रहा है कोई ठोस अपडेट, और परिणाम घोषित ना होने की वजह से अभ्यर्थी वर्ग हो चुका है इसमें काफ़ी परेशान। जानिए कब परिणाम जारी होने की संभावना। तो आज की इस वीडियो में यही बात डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस अपडेट को। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्ड आपको सारी वो इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे, जिससे कि आप लोग हमेशा अप टू डेट बने रहें। ओके, वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या प्रेस में विज्ञप्ति जारी की गई इस संबंध में। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भर्ती बोर्ड 2018 का यहाँ पर परिणाम घोषित ना होने के कारण अभ्यर्थी परेशान है। लोकसभा चुनाव के बाद फिलहाल परिणाम जारी होने की संभावना जताई जा रही है, और बोर्ड नहीं दे रहा है कोई अपडेट। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दफ्तर के बाहर बुधवार को अक्टूबर 2018 भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जमा हुए, और यहाँ पर इनका कहना था कि परीक्षा परिणाम के बारे में ना तो वेबसाइट पर कोई अपडेट है और ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसे में जो आप लोग का ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर जानकारी बिल्कुल क्लियर रूप से नहीं मिल पा रही है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 का परिणाम घोषित ना होने की वजह से, ठीक है, सभी परेशान हो चुके हैं। हालांकि इस भर्ती के लिए जनवरी में हुई परीक्षाओं के बाद फरवरी अंत तक परिणाम घोषित होने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना था कि परिणाम जारी ना होने से वे आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भर्ती बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने परिणाम तैयार कर लिए हैं, चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। परिणाम लेट होने के पीछे एक ही वजह बताई जा रही है। तो दोस्तों, जनवरी 2018 में जो 41,520 पदों पर जो निकली भर्ती प्रक्रिया थी, इसका परिणाम घोषित कर चयनितों को 6-6 महीने का प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया। प्रशिक्षण का पहला चरण जो है वो 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें नागरिक पुलिस हैं इनके 23,520, और दूसरे में 11 नवम्बर के PAC के 18,000 जवानों का प्रशिक्षण जो है वो किया जाएगा। सही है, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और यह प्रशिक्षण जो है वो 11 अप्रैल 2020 तक चलेगा। ऐसे में 49,568 पदों के चयनित हैं इनका प्रशिक्षण उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। संभव है कि चुनाव के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभिलेख हैं आपके, उनका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन कराया जाएगा, और जो शारीरिक मानक परीक्षा है, ये आप लोग का जो DVPST टेस्ट है, ये दिसंबर तक इनका परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इस पर अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल कोई भी अगर कुछ भी बोलता है या फिर अपडेट देता है तो आपको हम तुरंत अपडेट करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए बराबर, ताकि आपको सारे वो अहम खबरें मिलती रहें जो कि आप लोग के इस एग्जाम से रिलेटेड हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी इस तरीके के और कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक ले दोस्तों, नमस्कार।